अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबतैन दर। तो आज हम बात करते हैं जो 5-6 मंथ पहले हमारी यूनिवर्सिटियाँ ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी, तो वो अभी लिस्ट के अंदर डाल दी उन्होंने। तो हमें पीएनएमपी भी बकायदा पीएमडीसी की तरफ से आ गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पीएनएमपी दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे डिटेल से बात करता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, ये पीएमडीसी की तरफ से मुझे पीएनएमपी आ गई है, ठीक है। और ये मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एंड तक आपने वीडियो को लाजम देखना है कि ये हमें पीएनएमपी कैसे मिली है, ठीक है। जब हमारी उन्होंने यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट कर दी थी, 5 यूनिवर्सिटियों का मामला था। इसके अंदर एविसिना थी, एडम थी, रॉयल मेट्रो थी, आईयूएसएम थी, एक और थी। जब 5 यूनिवर्सिटी उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दी थी, तो जब हमारे पास पीएनएमपी नहीं थी, ना ही हम एग्जाम दे सकते थे, ना ही हम हाउस जब कर सकते, कुछ भी नहीं थे कर सकते। तो फिर हम बार 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 इस्लामाबाद गए। 2 दफ़ा मैं इस्लामाबाद गया हूँ, मेरे दोस्त वगैरह गए हैं। फिर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ बुलंद की है। लास्ट में मेरा एक दोस्त था अतीक, उसने केस वगैरह किया, तो मसला वगैरह सॉल्व हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास पीएनएमपी नहीं थी, तो हम कुछ भी नहीं थे, है मतलब कि एग्जाम भी नहीं थे दे सकते और हो जब नहीं था कर सकते। तो अब हमारे पास पीएनएमपी सबके पास आ गई है। 5 यूनिवर्सिटी जितने भी स्टूडेंट है सबके पास पीएनएमपी आ गई है। तो इस पर हमने बहुत मेहनत की है, बार बार गए हैं, सारा कुछ बताया उनको, जाके हाईलाइट किया यूनिवर्सिटियों का मामला, फिर जाके मसला सॉल्व हुआ है। तो अब ये मैं बताऊंगा कि जो अब हम थोड़े दिनों के अंदर हाउस जॉब स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी तो हाउस जॉब के इंडक्शन बंद है, जब ओपन हो जाएंगे हफ्ते 1.5 के अंदर, तो हम इंशाल्लाह हाउस जॉब स्टार्ट कर देंगे कुछ वाले के अंदर। मैं तो उसके बाद दूसरी बात जो एग्ज़ाम की है, एग्ज़ाम इस दफ़ा हमारा नहीं हो सका, क्योंकि ये जो पीएनएमपी थी ये थोड़ी सी लेट हो गई। ये हमें तब मिली जब एडमिशन क्लोज हो गया, उसके बाद जाके हमें ये पीएनएमपी मिली है। तो एग्ज़ाम जो हमारा इस दफ़ा नहीं होगा इंशाल्लाह, जो जून जुलाई वाला एग्ज़ाम होगा उसके अंदर हम क्लियर होंगे और साथ साथ ही हम हाउस जॉब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने यही बताना था। ओके, अल्लाह हाफिज़।